हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल सो आज हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के साथ और इसके हम लोगों ने बाकी सारे पार्ट्स जो एन में दे रखे थे उसको अच्छे से कवर किया है इन डिफरेंट वीडियोस सो उन सभी वीडियोस के लिंक्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ सो यू कैन वॉच द एंड कमिंग बैक टू दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और कॉन्ट्रासेप्शन मैथड्स की सो so हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की तो हम लोग बोल रहे थे कि अभी तक यूजली इन अर्लियर एजेस ह्यूमस की बॉडी में ह्यूमस की बॉडी में जो ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है वो हमारी ग्रोथ के ऊपर स्पेंड होती है सो so बॉडी की जो ग्रोथ होती है उस पर स्पेंड होती है पर ही अडोलोसेंट्स आती है लाइक like जब प्यूबर्टी आती है तो ज़्यादा प्यूबर्टी की से पहले ही इनफैक्ट हमारी बॉडी जो है वो सेक्सुअल मैच्योरेशन की तरफ जाने चली जाती है उसमें हमारी एनर्जी यूज़ होनी शुरू हो जाती है जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसका मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है पर दे आर नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि भी हो गई तो बस हो गया मैच्योरेशन हो गई तो वी आर कंप्लीटली मैच्योर जबकि प्रोसेस ग्रेजुअल है ये सेक्सुअल मैच्योरेशन का सो so, यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जब सेक्शुअल मैच्योरेशन चल रही है तो हमारी जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो भी स्टिल गोइंग ऑन तो अभी भी कुछ नेसेसरली मीन नहीं है कि बॉडी और माइंड जो है जैसी सेक्सुअल मैच्योरेशन आई वो सेक्शुअल एक्ट्स के लिए बॉडी और माइंड हमारा रेडी हो गया इसका ये मतलब नहीं है ठीक है तो इसके अगर ऐसा करते हैं तो इसके कुछ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ सेक्शुअल एक्ट एट दिस पर्टिकुलर एज तो वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है तो जो वुमेन की बॉडी होती है जब भी कोई भी सेक्शुअल एक्ट होगा ठीक है सो दैट विल डेफिनेटली लीड टू द फर्टिलाइजेशन uh, प्रोसेस तो उसमें क्या होगा कि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सो so, जो वुमेन की बॉडी इफ़ शी इज़ नॉट प्रपेयर फ्रॉम हर बॉडी और फ्रॉम हर माइंड फॉर बीइंग प्रेग्नेंट और ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन तो शी हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड तो उसकी बॉडी और उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत असर आता है सो so, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस कॉज कर सकती हैं जिसके कारण इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है हमेशा कहा जाता है ना आधी इंफॉर्मेशन बिना कुछ जाने बिना किसी इंफॉर्मेशन के ज्यादा डेंजरस होती है ठीक है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए कि अगर ये एक्ट होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या क्या हो सकते हैं ठीक है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मेजर थिंग दैट इज सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसके ऊपर क्वेश्चन आने के भी चांसेस होते हैं वीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि ड्यूरिंग द सेक्शुअल एक्ट ट्रांसफर होती हैं सो so, ये कुछ वायरल डिजीजेज़ होती हैं और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं बस इनकी डेफिनेशन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है आपके यहाँ पे एग्ज़ाम्स में मोस्टली अगर आप लोग के बारे पूछा भी जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि वायरल इन्फेक्शन कौन से हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से हैं स्टडी में ठीक है सो दे आर बैक्टीरियल के नाम है गनोरिया और साइफलिस और वायरल डिजीजेज है जो वो वार्ड्स और एच आई वी एड्स बोले जाते हैं और एड्स जो है इसका तो कोई अभी तक इलाज भी नहीं आया है इन सब की प्रिवेंशन के लिए तो एक लाइक प्रोटेक्शन कैन बी यूज दैट इज कॉन्डम कहा जाता है जिसे उसे यूज किया जा सकता है ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन कॉज दैट इज एस टी डी ओके एंड देयर आर सम मैथड्स देन ये कुछ आपकी एग्जाम आपकी एन सी आर टी में दे रखे हैं कुछ ऐसे मैथड जो प्रेग्नेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं सो वी गो न टॉक अबाउट ईच वन ऑफ दम सो सबसे पहले नॉन सर्जिकल मैथड्स की बात की जाती है फर्स्ट टाइप ऑफ मैथड्स आर नॉन सर्जिकल मैथड्स नॉन सर्जिकल मैथड्स में क्या होता है कि कुछ मकैनिकल मकैनिकल बैरियर्स होते हैं जिसको लाइक uh, like, जिसे प्रोटेक्शन के फॉर्म में कहा जाता है जिसे मेन और वुमेन कोई भी लाइक डिफरेंट डिफरेंट आते हैं मेन और वुमेन के लिए दिज आर सम कवरिंग्स जिसे कॉन्डम और कवरिंग्स कहा जाता है जो कि पैनिस या विजाइना के ऊपर पहनी जाती हैं ठीक है देन देर आर समल पिल्स जो कि खाई जा सकती हैं कुछ ऐसे पिल्स जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसमें क्या होता है ये हार्मोनल इम्बेलेंस कर देती है बॉडी में जिससे एग्स जो हैं वो रिलीज़ ही नहीं होंगे जब एग रिलीज़ ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाएगी ठीक है बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं ओरल पिल्स के जो कि हॉर्मोन्स को इम्बेलेंस कर देती है देन थर्ड टाइप ऑफ नॉन सर्जिकल मेथड आ जाता है लूप या फिर कॉपर्टी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक अंडर डॉक्टर्स डॉक्टर की प्रेजेंस uh, like, uh, uh, में ही की जाती हैं कि ये प्लेस किया जाता है यूट्रस के अंदर ठीक है डॉक्टर इसको प्लेस कर देता है यूट्रस के अंदर ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके बट इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं यूट्रस में बिकॉज इट हैज़ इट इज सम फॉरेन बॉडी फॉरेन बॉडी पार्टिकल आपकी बॉडी में प्लेस किया जा रहा है सो so, कुछ साइड इफेक्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे ठीक है सो दिस इज अबाउट द नॉन सर्जिकल मैथड्स देन वी गोना टॉक अबाउट सेकेंड इज सर्जिकल मैथ सर्जिकल मैथ्स में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो जर्म सेल्स हैं जो मेल गमीन हैं या फीमेल गमीनस हैं स्पर्म्स या एग्ज हैं उनकी जो उनको ब्लॉक कर दें मेल के केस में क्या करते हैं जो वास डेफ्रेंस होती है हमने उसकी डायग्राम में देखा था ना वास डेफरेंस होती है ये वाली इसको कट कर दिया जाता है इसको ब्लॉक कर दिया जाता है ठीक है इसको ब्लॉक करके टाई कर दिया जाता है ताकि जो है स्पर्म्स अगर फॉर्म होंगे तो वो आगे ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे सिमिलरली फीमेल्स के केस में जो ये फेलोपियन ट्यूब होती है उस ये वाली ये वाली जो ये फेलोपियन ट्यूब है इसको कट कर दिया जाता है और ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि जो एग अगर बन भी रहा है तो वो जो यूट्रस तक पहुंचे ही नहीं ठीक है सो सर्जिकल मैथड्स की सेफ्टी जो है वो लॉन्ग रन रहती है पर ये भी कुछ इन्फेक्शन्स कॉज कर सकते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकते हैं अगर इन्हें अच्छे से परफॉर्म ना किया जाए लाइक like अगर ये सर्जिकल ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है सो so ये लाइफ टाइम कुछ इश्यूज़ कॉज कर सकते हैं सो दिस इज़ अबाउट द सर्जिकल मैथड्स बट जो जो ये सर्जरीज है कुछ समटाइम्स क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए बनी गई हैं बट इसका मिसयूज भी होने लग गया है कि सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन करवाने लग गए हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि सेक्स जान लेते हैं बिफोर लाइक बिफोर डिलीवरी और उसके बाद जिनको फीमेल फीमेल फिटिसाइड एक टर्मिनोलॉजी आप सब लोग अवेयर हो गए बच्चों को गर्ल्स गर्ल्स बेबी को उनके वूम में ही मदर के वूम में ही मार दिया जाता है ठीक है अबॉर्शन करवा दिया जाता है उनका जिसके कारण हमारे देश में मेल और फीमेल सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है फीमेल का नंबर एज कम्पेयर टू द मेल काफ़ी कम होता चला जा रहा है सो so, इसे प्री नेटल सेक्स डिटरमिनेशन डिटर्मिनेशन जो है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जो सेक्स का डिटरमिन करना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये हमारे देश में प्रोहिबिटेड है इसे नहीं किया जा सकता दिस इज एन ऑफेंस लीगली ऑफेंस है ये ठीक है सो बर्थ और डेथ डेथ रेट जो है किसी भी पॉपुलेशन में उसकी साइज को डिटरमाइन करते हैं ठीक है सो पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अफेक्ट हो जाएगा जिसके कारण सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाएगी ठीक है सो एवरीथिंग शुड बी मैनेज ओके ऐसा नहीं है कि एकदम से पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जाए या फिर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन भी आ जाए या एक सेक्स का रेशियो कम हो जाए मेल या फीमेल में से ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपकी दे रखे हैं सो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन And share this video with your friends and do subscribe my channel for more further videos. Thank you, bye bye, have a nice day.